morning, students. I am J.K. Jaiswal, class teacher of 11th A. I will teach you Informatic Practices, IP. Okay, this is my first lecture to you. Now, come to the syllabus. Total syllabus जो आपका IP का है, उसको हम लोगों ने दो part में बांटा है. First part आपका है Python, मतलब first part is called Python, और second part is called MySQL. ये दो part है. ठीक है ना. फर्स्ट पार्ट जो हमारा है पाइथन, उसको मैं पढ़ाऊंगा और MySQL क्वेश्चन मैडम तनुजा पढ़ाएंगे. अब पाइथन चैप्टर टॉपिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ. फर्स्ट टॉपिक है, चैप्टर है गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन. नंबर टू पाइथन फंडामेंटल्स. नंबर थ्री डेटा हैंडलिंग. नंबर फोर कंडीशनल एंड आइटरेटिव स्टेटमेंट्स. नंबर फाइव टेक्स्ट हैंडलिंग. टेक्स्ट हैंडलिंग मीन्स स्ट्रिंग मैनिपुलेशन. नंबर सिक्स लिस्ट मैनिपुलेशन. ये एक नया टॉपिक है जो आप पहले पढ़े नहीं होंगे, ये सिर्फ पाइथन में ही होता है. डिक्शनरीज ये भी पाइथन में ही है. और नंपी ये भी पाइथन. ये तीन टॉपिक ऑलरेडी पहले पढ़ सके आप नहीं आए हैं. आपने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पढ़ा होगा, लूपिंग पढ़ा होगा, कंडीशनल आइटरेटिव स्टेटमेंट पढ़ा होगा. तो बाकी पोर्शन जो हमारा आपका है सिलेबस का, वो MySQL पोर्शन वो मैडम तनुजा पढ़ाएंगी. तनुजा मैडम का क्वेश्चन में आपका है MySQL, साइबर सिक्योरिटी. और भी मैडम जब क्लास देंगे तो बता देंगे क्या क्या क्लासेस. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन. ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि पाइथन किसने डेवलप किया था. मैंने लिख दिया यहाँ पे, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप बाय गाइडो वैन रुसुम इन फरवरी, लिख लेता हूँ, फरवरी 1991 में. ठीक है, गाइडो वैन रुसुम ने, एक साइंटिस्ट थे, डेटा साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये सबसे पहले इसको डेवलप किया. अब ये जो लैंग्वेज है पाइथन, ये दूसरे जो कन्वेंशनल लैंग्वेज है C++ जावा से, उससे स्लाइटली डिफरेंट लैंग्वेज है. बेसिकली पाइथन लैंग्वेज इन्फ्लुएंस है दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. फर्स्ट इज कॉल्ड ABC. ABC इज अ टीचिंग लैंग्वेज जो आगे चल के बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ. बेसिक यहां लिख दे रहा हूं, बेसिक में कन्वर्ट हुआ. बिगिनर्स ऑल पर्पज सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड. ये आगे चल के, क्योंकि हम पाइथन बहुत से कोड देखेगा है जो बेसिक से बोरो किया गया है. सेकेंड लैंग्वेज था मॉड्यूल 3. ये दो लैंग्वेज से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, इन्फ्लुएंस्ड है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब समझेंगे कि पाइथन और C++ जावा में बेसिक डिफरेंस क्या है. देखिए C++ एंड जावा जो लैंग्वेज है ये जनरल पर्पस लैंग्वेज होते हैं. इसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, लॉजिक पे विशेष ध्यान दिया जाता है. डेटा इसमें सेकंड क्लास स्टेटस होता है. डेटा और प्रोग्रामिंग कोडिंग के बीच में बहुत ज्यादा बाइंडिंग नहीं है. पाइथन एक डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज है जिसमें क्या होता है, डेटा माइनिंग किया जाता है. क्या देखिए, C++ जावा क्या है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. यहाँ पे C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, C प्रोसीजरल ओरिएंटेड है. C++ एंड जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जावा स्पेशली कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, जावास्क्रिप्ट. अब आइए पाइथन में हम क्या करते हैं. पाइथन जो लोग देखिएगा कि न्यू टेक्नोलॉजी है और इससे जो बनते हैं, जैसे C++ जावा में नॉर्मली हम लोग बनते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह बनते हैं, इसमें हमारा बनता है डेटा साइंटिस्ट. को बोलते हैं जो पाइथन करते हैं उसको बोलते हैं डेटा साइंटिस्ट. क्यों? क्योंकि ये अवेलेबल डेटा में डेटा माइनिंग करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है. इसलिए पाइथन क्या है, व्हाट इज पाइथन लैंग्वेज, हाई परफॉर्मेंस डेटा मैनिपुलेशन टूल है. ये बहुत हाई परफॉर्मेंस है और मैनिपुलेट करता है डेटा को एनालाइज करता है और डेटा विजुअलाइजेशन हो सकता है. विजुअलाइजेशन का मतलब हुआ डेटा को हम डिफरेंट फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे पाई चार्ट, लाइन बार, हिस्टोग्राम, बहुत से पैटर्न है. देखिए क्योंकि पाइथन में एक एबिलिटी है वो बिग डेटा को हैंडल कर सकता है. बिग डेटा मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, और एनालाइज करके आइडेंटिफाई करता है कि ट्रेंड क्या है और पैटर्न क्या है. स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह होता है, शेयर मार्केट का ट्रेंड किधर जा रहा है, सब कुछ एनालाइज कर सकते हैं.
क्योंकि मैंने डेफिनेशन लिख दिया ना, इट इज अ डेफिनेशन, इज अ बेसिक कौन कौन से पॉइंट्स है इसमें, हाई परफॉर्मेंस डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा एनालिसिस टूल्स, डेटा विजुअलाइजेशन मींस ग्राफ्स इन ए पिक्टोरिकल एंड ग्राफिकल फॉर्मेट्स। ठीक है, बिग डेटा इसलिए बोलते हैं कि लार्ज वॉल्यूम डेटा को हैंडल करता है, कैपेबिलिटी है इसमें, और ये आइडेंटिफाई करता है कि ट्रेंड किधर जा रहा है, पैटर्न किधर मैच कर रहा है, इसमें शेयर मार्केट में इसको यूज किया सकता है। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, सी प्लस प्लस जावा वगैरह है ये जनरल पर्पज लैंग्वेज है, पाइथन जनरल पर्पज लैंग्वेज नहीं है, ये हर प्रोग्राम के लिए फिट नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाइथन के लिए बहुत सक्सेसफुल प्रोग्रामिंग है, जो सॉफ्टवेयर है डेवलप हुआ है वो जीपीएस सिस्टम है, ये नेट से कनेक्टेड होगा, क्योंकि पाइथन जनरली जब काम किया जाता है नेट से कनेक्टेड होता है। जीपीएस सिस्टम बहुत सक्सेसफुली कोडिंग किया गया है पाइथन में,